नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आज आपके पीटीटी काउंसलिंग 2019 को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीटीटी की काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है और काउंसलिंग आपको किस प्रकार से करवानी है और आपको कितने कॉलेजों का इसमें चयन करना होगा ताकि आपको अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज मिल जाए और इसी कट ऑफ क्या रहेगी और कितनी फीस आपको जमा करवानी है और यदि आपका नंबर नहीं आता है तो कितनी फीस आपको वापस मिलेगी। संपूर्ण जानकारी पीटीटी काउंसलिंग 2019 को लेकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साइड में जो घंटी का आइकन है इसे आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर काउंसलिंग से संबंधित अपडेट्स मिल सके। तो दोस्तों, पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। और जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो रिजल्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, रिजल्ट के साथ जो आपको आईडी दी गई है उसी आईडी से आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के समय आपको आईडी के साथ एक पासवर्ड भी जनरेट होगा। आईडी और पासवर्ड दोनों आपको याद रखने हैं, वे काउंसलिंग में वह आपके बार बार काम आने वाले हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीटीटी में चाहे आप कितने भी नंबर आ रहे हों, चाहे नंबर आप कम हो, लेकिन फिर भी आपको काउंसलिंग में भाग जरूर लेना है, आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है। क्योंकि यदि आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता है तो सेकंड या थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा और फिर भी यदि आपका नंबर नहीं आता है तो आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी। जो फीस लगती है आपके लगभग 5,000 रुपये लगती है, तो उसमें से लगभग आपके 4,800 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे यदि आपका नंबर नहीं आएगा तो। इसलिए काउंसलिंग में आप भाग जरूर। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पीटीटी 2019 की काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो लगभग दोस्तों 1 से 2 दिन में आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, ये न्यूज़ में दिया हुआ है कि वरीयता के अनुसार होगा बीएड में प्रवेश और प्रदेश में 903 बीएड कॉलेजों में विद्यार्थियों को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। और इस बार पीटीटी परीक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की ओर से आयोजित करवाई गई है और भाटी ने बताया कि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है डूंगर महाविद्यालय की, उस पर काउंसलिंग कार्यक्रम शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। और या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.educationjobline.com पर जाकर भी सभी जानकारी देख पाएंगे। यहाँ पर भी हम सभी जानकारी अपडेट कर देते हैं, नहीं तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही देखें। तो दोस्तों, जैसे ही आपके 1-2 दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम संपूर्ण प्रोसेस आपको बता देंगे डेट सहित कि आपको किस दिनांक से पहले क्या करना है। और दोस्तों, आपके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, वो लगभग आपके 1 से 2 दिन बाद यानी सोमवार के बाद शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय मिलेगा, यानी 10-12 जून तक फिर आपको काउंसलिंग करवानी होगी। और महाविद्यालय के लिए दोस्तों, आपको कम से कम आपको 10 से 15 महाविद्यालयों का चयन करना होगा और फिर आपको ओल्ड राजस्थान महाविद्यालय पर क्लिक करना होगा और काउंसलिंग के समय ही आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। और यदि आपका नंबर नहीं आता है तो फिर इसमें से 4,800 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। और यदि आपको कॉलेज अलाउटमेंट हो जाता है तो फिर आपको प्रवेश शुल्क के रूप में बैंक में 22,000 रुपये जमा करवाने होंगे और जिसकी स्लिप आपको कॉलेज में जमा करवानी होगी और वो भी आपको 6-7 दिन के अंदर ही कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी होगी। महाविद्यालय में रिपोर्ट के समय आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। तो यदि आपके डॉक्यूमेंट्स यदि पूरे नहीं हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद फिर आपको अधिक समय नहीं मिलने वाला है। और जो फिलहाल ग्रेजुएट कर रहे हैं वे भी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जब आपके कॉलेज अलाउटमेंट हो जाएगी और आप जब महाविद्यालय में रिपोर्ट करने जाएंगे तो उस समय आपके जो ओरिजिनल मार्कशीट है वह आपके हाथ में होनी चाहिए। अब दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थी हमें पूछते हैं कि सर, इसकी काउंसलिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि पीटीटी में कोई भी कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ आपकी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कॉलेज भरा है और उस कॉलेज में किस किस ने अप्लाई किया है, उसी के आधार पर आपके अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग कट ऑफ होती है। किसी कॉलेज की कट ऑफ ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। जो कॉलेज बैकवर्ड एरिया में है उनकी कट ऑफ काफ़ी कम होती है और जो कॉलेज मेन सिटी में है उनकी कट ऑफ हाई होती है।
लेकिन फिर भी हम आपको एक आइडिया बता देते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट काउंसलिंग के समय कट ऑफ रह सकती है, लेकिन यहाँ आप बिल्कुल भी ना समझे, कट ऑफ यही रहेगी। जैसे आपके जनरल आर्ट्स की दी हुई है 320 प्लस, तो 310 से लेकर 330 तक हो सकती है फर्स्ट काउंसलिंग में। और यदि तीसरी काउंसलिंग की बात करें तो तीसरी काउंसलिंग में जनरल आर्ट्स की आपके 250 से लेके 270 तक हो सकती है। तो दोस्तों कट ऑफ इसी बात पर निर्भर करती है कि आपने जिस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है उसकी डिमांड कितनी है। और महाविद्यालय के लिए दोस्तों आप कम से कम आपको 10 से 15 महाविद्यालयों का चयन करना होगा, और फिर आपको और राजस्थान महाविद्यालय पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है दोस्तों, हम तुरंत आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।